एबीपी गंगा की खबर गाजियाबाद में भी रंग लाई है। खबर दिखाने के बाद पीड़ित को इंसाफ मिला है और युवक को गले में पट्टा डालकर पीटने का मामला है। युवक को बुरी तरह से गले में पट्टा डालकर पीटा गया था। एक सिपाही समेत 9 लोगों पर केस दर्ज हो गया। 22 फरवरी को एबीपी गंगा ने यह मुद्दा उठाया था। खबर दिखाने के बाद जांच हुई और अब कार्रवाई होगी। पीड़ित की पुलिस नहीं सुन रही थी। जब कोई नहीं सुन रहा था तो एबीपी गंगा इस पीड़ित की आवाज बनी और एबीपी गंगा ने खबर को दिखाया और खबर दिखाए जाने के बाद अब पीड़ित को इंसाफ मिला है। मामले में 9 लोगों के खिलाफ एक सिपाही समेत 9 लोगों पर केस दर्ज हुआ है और गले में पट्टा डालकर पीटा गया था। और विपिन संवाददाता ज्यादा जानकारी देंगे। विपिन, एबीपी गंगा की खबर का दमदार असर हुआ है। जी बिल्कुल, एक साल तकरीबन होने को आ रहा है। ये युवक जो है पीड़ित था और बड़ी बेरहमी से गले में पट्टा डाल के पीटा गया था। तस्वीरें गवाह थी इस चीज की, वीडियो गवाह थे, लेकिन उसके बावजूद गाजियाबाद पुलिस ने किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई थी। 22 फरवरी को जब एबीपी गंगा के पास इस युवक ने गुहार लगाई थी तो एबीपी गंगा ने प्रमुखता से इस खबर को चलाया था। उस खबर का संज्ञान लेते हुए गाजियाबाद पुलिस ने इसकी जांच क्षेत्र अधिकारी इंद्रप्रम को सौंपी गई थी। उसकी जांच में अब यह साबित हुआ है कि जो एबीपी गंगा की खबर थी वो सही थी और अब पीड़ित को न्याय मिलने की उम्मीद जग गई है, क्योंकि थाना मसूरी इलाके में एक पुलिस के कांस्टेबल समेत 9 लोगों पे संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज हो गया है। जी विपिन, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। यानी कि देर आए और दुरुस्त आए, अब आए हैं तो FIR दर्ज भी है, लेकिन सवाल ये है कि पुलिसकर्मी भी इसमें शामिल है तो जांच कितने निष्पक्षता से इसमें होगी। खबर दिखाने के बाद जांच हुई और अब कार्रवाई होगी। पीड़ित की पुलिस नहीं सुन रही थी। जब कोई नहीं सुन रहा था तो एबीपी गंगा इस पीड़ित की आवाज बनी और एबीपी गंगा ने खबर को दिखाया और खबर दिखाए जाने के बाद अब पीड़ित को इंसाफ मिला है। मामले में 9 लोगों के खिलाफ एक सिपाही समेत 9 लोगों पर केस दर्ज हुआ है और गले में पट्टा डालकर पीटा गया था। और विपिन संवाददाता ज्यादा जानकारी देंगे। विपिन, एबीपी गंगा की खबर का दमदार असर हुआ है। जी बिल्कुल, एक साल तकरीबन होने को आ रहा है। ये युवक जो है पीड़ित था और बड़ी बेरहमी से गले में पट्टा डाल के पीटा गया था। तस्वीरें गवाह थी इस चीज की, वीडियो गवाह थे, लेकिन उसके बावजूद गाजियाबाद पुलिस ने किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई थी। 22 फरवरी को जब एबीपी गंगा के पास इस युवक ने गुहार लगाई थी तो एबीपी गंगा ने प्रमुखता से इस खबर को चलाया था। उस खबर का संज्ञान लेते हुए गाजियाबाद पुलिस ने इसकी जांच क्षेत्र अधिकारी इंद्रप्रम को सौंपी गई थी। उसकी जांच में अब यह साबित हुआ है कि जो एबीपी गंगा की खबर थी वो सही थी और अब पीड़ित को न्याय मिलने की उम्मीद जग गई है, क्योंकि थाना मसूरी इलाके में एक पुलिस के कांस्टेबल समेत 9 लोगों पे संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज हो गया है। जी विपिन, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। यानी कि देर आए और दुरुस्त आए, अब आए हैं तो FIR दर्ज भी है, लेकिन सवाल ये है कि पुलिसकर्मी भी इसमें शामिल है तो जांच कितने निष्पक्षता से इसमें होगी।